चलो बेटा अब हम कर रहे हैं एग्जाम्पल 25। एग्जाम्पल 25 न्यू बुक्स में आएगा, डिलीटेड है पूरा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ डबलेट्स इन थ्री थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, अर्थात प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है किसकी, डबलेट्स की, नंबर ऑफ डबलेट्स इन थ्री थ्रोज ऑफ अ पेयर ऑफ डाइस, किसमें, जब हम एक पेयर को क्या करेंगे तीन बार रुक करेंगे, पॉइंट क्लियर, ओके, तो वो निकालनी है उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले यानी एक पेयर को मैं थ्री टाइम्स रोल कर रहा हूँ, टोटल क्या हो रहा है छह बार ही, ये तो मैं छह बार की आउटकम लिखूं नहीं, कैसे करेंगे सर उसको ध्यान समझना। डबलेट पता है जब मैं एक डाइस को दो बार थ्रो करता हूँ तो डबलेट कितने आते हैं, छह, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, राइट। तो एक बार बताओ एक बार में डबलेट के चांस क्या हुए, पीड एक बार में डबलेट के चांस 6 1 6 यानी 1/6, और नॉट डबलेट के चांस एनडी लिखो नॉट डबलेट 5/6, यहां तक क्लियर। अब मेरे को ये बताओ नंबर ऑफ डबलेट्स, जब मैं ए पेयर को तीन बार थ्रो कर रहा हूं, पेयर को तीन बार थ्रो कर रहा हूं, तो बताओ डबलेट्स कितने कितने बन सकते हैं, 0 1 2 3। बच्चा बोला कैसे बात नहीं समझे, मैं कह रहा एक डाइस, ये रहे दो डाइस, इनको एक, इसको एक मान लो ना, काम खत्म, एक मान लो इसको, ये एक ही डाइस है, लो अब इसको तीन बार थ्रो कर रहा हूं तो डबलेट्स कितने आ सकते हैं, हो सकता है एक भी बार भी ना आए, हो सकता है एक बार है, हो सकता है दो बार है, और हो सकता है तीन बार है, बोलो पॉइंट क्लियर। एक्स जीरो जीरो 1 2 3, बोलो यहां तक क्लियर होगी बात, यस और नो जी, ओके। नाउ अभी करेंगे कैसे सर, ऐसे वाले क्वेश्चन आ गए, अब करोगे कैसे, हो गया, देखो मैं पहले कहता हूँ जीरो, एक भी डबलेट नहीं आया, यानी तीनों ही क्या है, एन 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 यानी 5/6 इंटू 5/6 इंटू 5/6, बोलो यहाँ क्लियर, वाई चार बार क्यों, एक आगे से सर ने चार बार क्यों बोला आपने, अगर एक डबलेट आए, अब देखो ध्यान से यहाँ पे खेल होगा क्या, एक डबलेट आ रहा है इसका मतलब हो सकता है पहली बार आप डाइस को तीन बार थ्रो कर रहे हो ना, वो उसी पे आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, देखो हो सकता है पहली बार डबलेट आया दूसरी बार में आए डीएनएन, हो सकता है दूसरी बार में, हो सकता है तीसरी बार में, तो वैसे एक बात बताओ इसकी क्या हो जाएगी पहले वाली प्रोबेबिलिटी 5/6 × 1/6 × 1/6 और तीन बार लिए तो इंटू 3 क्या? ऐसे लिखा हुआ 5/6 × 1/6 × 1/6 लिखा हुआ है, क्लियर, चलो आगे चलते हैं। टू टाइम्स आया डबलेट, अब बताओ केस बनेंगे, देखो कितने, वैसे इसका वो होता है बर्नौली ट्रायल्स होता है ये, उसमें एक तरीका होता है, फॉर्मूला होता है इसका छोटा सा, 3C2 होता है हमारा क्या, देखो DDN DAD NDD बोलो पॉइंट क्लियर, तो क्या देगा अब 5/6 × 1/6 × 1/6 × 3 और तीन में डबल डाले तो 1/6 × 1/6 × 1/6 क्लियर, ये था पॉइंट। चलिए आगे क्वेश्चन और लेते हैं जल्दी से, एग्जांपल 27 करके दिखाओ राइट नाउ, चलो बेटा क्या कहते हैं,
लेट अ पेयर ऑफ डाइस बी थ्रोन. क्या कर रहे हैं मेरे बच्चा हम? डाइस का एक पेयर थ्रो कर रहे हैं. यहां तक क्लियर? एंड द रैंडम वेरिएबल x बी द सम ऑफ नंबर दैट अपीयर्स ऑन द टू डाइस. x के रिप्रेजेंट कर रहा है, x के सम ऑफ नंबर्स. यहां तक क्लियर? ओके, x से सम ऑफ नंबर्स. फाइंड द मीन और एक्सपेक्टेशन ऑफ x. बेटा पहले मेरे को बताओ x क्या है? सम ऑफ नंबर्स. तो x की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है? x के आराम से पहले जब हम थ्रो करते हैं सैंपल स्पेस क्या बनता है? 1 1 2 2 3 3 4 राइट. और इसको पहले निकाल लेते हैं, सेकंड के लिखा हो गया. x है क्या? किसका? तो x की वैल्यूज क्या होगी सोच के बताओ. बोलो लाउड. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. बोलो पॉइंट क्लियर? यस और नो? x की वैल्यूज क्या होगी बेटा? 2 3 4 5 6 7 8 9 12 10 11 12. याद है क्या? अब मीन निकालना है. मीन का फॉर्मूला क्या होता है सर? सिग्मा एक्स पी एस. पानी क्या करना है? अच्छा मैं आपसे सिर्फ दो तीन निकाल के दिखा रहा हूं, बाकी तो आप खुद करोगे. टू की प्रायोरिटी क्या हो जाएगी? आने की बन बैठ लो लगती है. क्यों? एक मिनट एक मिनट एक मिनट. जब एक डाइस को दो थ्रो करते हैं कितने आउटकम आते हैं? 36. आई शो यू सम टू आई क्या कितने ऐसे चेक करना. मैं कलर ले लेता हूँ, लेट से ये वाला कलर ले लेते हैं हम. ठीक है, थोड़ा सा रेडिश ले लेते हैं. 1/36 क्लियर होगी बात? 3 आने के चांस क्या है एक बार आप बताना. आपसे नहीं पूछा 3 है. ये रहा ना पूरे आपके सामने, उधर मत देखो, उधर देखोगे गलत तो देखो. वो पिछले क्वेश्चन का है. 3 आने के चांस सम 3 हो जाए. और मीन मीन याद है? मीन का फॉर्मूला क्या होता है? मीन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से. क्या होता है फॉर्मूला? सिग्मा एक्स पी एक्स. नोट डाउन प्लीज. चलो, टू नंबर्स आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द फर्स्ट सिक्स पॉजिटिव इंटीजर्स. मतलब दो नंबर्स क्या कर रहे हैं हम? रैंडमली सिलेक्ट कर रहे हैं. किस में से? फर्स्ट सिक्स पॉजिटिव इंटीजर्स में से. वैसे एक बात देखो यहाँ पे क्या वर्ड लिखा हुआ है, सिलेक्टेड है. सिलेक्टेड का मतलब क्या होता है? ठीक है, जरा आगे पढ़ना. लेट x डिनोट, x क्या डिनोट कर रहे हैं? लेट x डिनोट द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स. x क्या है? दोनों में से बड़ा वाला नंबर. पॉइंट क्लियर? तो पहले मैं बता सकता हूँ टोटल केसेस कितने हो जाएंगे मेरे? आर यू श्योर? 12. तो जरा मैं भी निकाल लेता हूँ कितने मेरे. 62. कंफ्यूज ना? कॉम्बिनेशन आधे बच्चों की इसमें जान निकलती थी. कॉम्बिनेशन 62 कैसे बेटा? याद है 6 में से कितने सेलेक्ट करने हैं? दो. तो क्या लग जाएगा? मैं दो ऐसे कराऊंगा, एक मेरा वाला तरीका जो थोड़ा लेंदी है और डिफरेंट है, बट आंसर 100% सेम आएगा. 6C2 पहले मैं बता देता हूँ बुक्स का, यानी क्या हो जाएगा? 6 फैक्ट. याद है कि कैसे होता है? 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल. 6 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. सॉल्व करो जैसे कितना आएगा? 6 इनटू 5 इनटू 4 फैक्टोरियल 15 का शब्द देख लेना कितना आएगा. 21. हाँ जी, ये बच्चे मेरे को ऐसा लग रहा है 11th में ना. बस क्या बोलूं मैं. चलो 15 यहाँ तक ले. 15 केसेस बनेंगे. कैसे केसेस बनाने के लिए पहले
ठीक है, पहले मैं नॉर्मल करा रहा हूँ, सैंपल स्पेस क्या बनेगा इसका, तो भाई क्या दो नंबर सिलेक्ट करेंगे 4 6 में से, तो क्या हो सकते हैं 1 6 सॉरी 1 2 1 3 नो, ठीक है, जब पॉजिटिव हम वर्ड बोल देते हैं पॉजिटिव, बच्चे ने पूछा है कि जीरो को पॉजिटिव इंटीजर मानेंगे, इंटीजर तो सारे आते हैं, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव, जीरो इज क्या है, पॉइंट क्लियर, जीरो ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, ध्यान रखना, तो 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 फिर नो, बेटा सिलेक्शन है ना, क्योंकि 1 2 और 2 1 में से एक ही बात है, सिलेक्शन का मतलब 1 2 या 2 1 एक ही बात, तो 2 3 2 2 भी बेटे दो नंबर चूज करने हैं, अब बच्चा बोले सर क्या करा रहे हो, सर मेरे को दुखी कर रहे हो आप, तो मैं कहा बेटा मेरे पास 6 पर्ची है 1 2 3 4 5 6 दो नंबर उठाने हैं, आपने 2 उठा लिए दोबारा उठा सकते हो, ठीक है, दूसरा यहाँ पर एक वर्ड लिखा भी हुआ विदाउट रिप्लेसमेंट, पॉइंट क्लियर, 2 3 2 4 2 5 2 6 फिर 3 1 चलेगा नहीं, 3 2 चलेगा नहीं, क्यों, क्योंकि 2 3 आ चुका है, 3 3 नहीं, 3 4 यस, 3 4 3 5 3 6 फिर 4 5 4 6 5 5 नो, 5 6 यस, काउंट इट प्लीज, कितने आ रहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पॉइंट क्लियर, अब एक्स क्या डिनोट कर रहे हैं, एक्स डिनोट द लार्जर ऑफ द टू नंबर्स, एक्स क्या मेरे बच्चा लार्जर ऑफ टू नंबर्स, तो कौन से हो देंगे, बोलो बोलो बोलो, एक्स क्या है, एक्स की वैल्यूज क्या होंगे, 2 3 4 5 6 अब क्या निकालना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, फाइंड ई एक्स, ई क्या होता है बेटा, ई मैं आपको बता दूं, ई होता है मीन, या इसका एक और नाम होता है एक्सपेक्टेशन, क्या एक्सपेक्टेशन, तो ई का पहले फॉर्मूला बता देता हूं, एक्स पी एक्स 2 3 4 रेडी, बच्चा कहते हैं एक्स में 1 क्यों नहीं लिखा, कोई बता सकता है, लार्जर वर्ड है यहाँ पे, 1 तो सबसे छोटा है, 1 और 2 में हमेशा 2 बड़ा ही रहेगा, क्लियर, हाँ जी, अब ई क्या है, मैंने कहा था ई का फॉर्मूला बताना है, ई का फॉर्मूला होता है सिग्मा, सिग्मा मतलब प्लस किसका, एक्स पी एक्स का, 2 की प्रोबेबिलिटी क्या हुई कि बड़ा वाला नंबर 2 हो, 1 बाय 15, 3 की प्रोबेबिलिटी 1 और 2, 4 की 3 बाय 15, तब तो पैटर्न ही बनेगा 4 बाय 15, क्लियर, क्या दोबारा 2 बाय 15 1 बाय 15 कैसा है बेटा, 15 केस है, कितने केस में 2 बड़ा आ सकता है कि x की वैल्यू 2, x क्या बड़ा नंबर, कितने केस में 3 बड़ा आएगा, 1 2 क्लियर, अब इधर एक मिनट फोकस कर लो, एक्सपेक्टेशन कैसे निकालते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, इसको इससे और प्लस, मतलब 2 इंटू ठीक है 2 इंटू 1 बाय 15 प्लस 4 2 इंटू 1 बाय 15 प्लस 3 इंटू 2 बाय 15 4 इंटू 3 बाय 15 5 इंटू 3 बाय 15 6 इंटू 5 इंटू 4 बाय 15 6 इंटू 5 बाय 15 सॉल्व कर सकते हो, या मैं करके दूं, करके दूं, कर लोगे, इसके एक ऑल्टरनेटिव वे भी था बताऊं, जो मैं कराता हूं कई बार, अगर इसी का एक ऑल्टरनेटिव कराना मेरे को, मैं क्या करूंगा, एक मिनट रुक जाओ, अब अगर मैं उस सिलेक्टेड वर्ड को इग्नोर कर दूं, ठीक है, तो आउटकम्स क्या क्या बनते हैं बता सकते हैं, 36 नहीं 30 कैसे, 6 इंटू 5 पहले प्लेस के लिए 6 ऑप्शन, नेक्स्ट के लिए 5 ऑप्शन,
दिखा दो, अगर नहीं भी आ तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। मेरा अंतर बनता 1 2 1 1 बनता नहीं, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 फिर 2 1 2 3 2 4 2 5 2 6 फिर 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6। पॉइंट क्लियर हो गया कैसे करना है? अब अगर आप देखो आपका आंसर सेम आएगा, करके देखिए मैं इससे भी हर चीज का डबल ही हो रहा है, तो प्रायोरिटी भी डबल हो रही थी। क्लियर? इसका हो गया क्वेश्चन 14। बेटा क्वेश्चन 14 है, कुछ नहीं है, इसमें बहुत इजी है। अ क्लास हैज 15 स्टूडेंट, क्लास के कितने बच्चे? 15। हु इज इजी सर? दिस इजी सर सॉरी, राइट? One student is selected in such a manner that each has the same chance of being chosen. एक स्टूडेंट को इस तरह चूज करा कि अगर किसी का चांस क्या है, सेम ही है, यानी कोई बच्चा यहाँ पे पार्शियलिटी नहीं है देसी भाषा में। एंड अब क्या है, एज एक्स ऑफ द सिलेक्टेड स्टूडेंट इज रिकॉर्डेड। एज के स्टूडेंट की एक्स, एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चा? एज, एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्स एज ऑफ स्टूडेंट। मेरे को बता सकते हो एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. पॉइंट क्लियर? 22 का है, 21 भी है। 14 के चांस क्यों देंगे? 15 बच्चे हैं, 1 2 2 है 15, मेरे को बस इतना बताना था। क्लियर? सॉल्व इट योरसेल्फ। बेटा यहाँ पर सिर्फ मीन निकालना, वेरियंस नहीं। और यहाँ पर अगले क्वेश्चन में भी, अगला क्वेश्चन बुक में है, यहाँ पर भी क्या निकालना है? मीन। क्लियर? पुट आउट, एक्सरसाइज खत्म।